नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की अपराध की घटना पुरानी है, मशहूर है, बहुत से लोगों ने बहुत से प्लेटफॉर्म पर इसे देखा भी होगा और सुना भी होगा। घटना मुंबई की है। तारीख थी 6 मई 2008। टेलीविजन इंडस्ट्री में काम करने वाला बड़ा होनहार सितारा, जो सिनर्जी एडलैब्स का एग्जीक्यूटिव था, जिसका नाम था नीरज ग्रोवर, वो अचानक गायब हो गया। मूल रूप से कानपुर का रहने वाला ये युवक जब गायब हो गया तो इसके घर वाले कानपुर से और कुछ रिलेटिव जो मुंबई में रहते थे, उन लोगों ने इसकी एक गुमशुदगी मुंबई में लिखवा दी और ये शक भी किया कि उसकी महिला मित्र, जिसका नाम मारिया मोनिका सुसीराज था, उसके पास ये जानकारी होगी कि ये नीरज ग्रोवर कहां गया, या हो सकता है उसी ने नीरज ग्रोवर के साथ कुछ ऐसा किया हो जिससे उसका पता नहीं लग रहा है। पुलिस को जब ये सूचना मिली और गुमशुदगी में ये लिखा हुआ था, तो सुसीराज को, मारिया सुसीराज को पूछताछ के लिए बुलवाया गया। मारिया ने कहा कि हाँ, वो मेरे पास आया था, मेरे फ्लैट पर, लेकिन रात में लगभग 12 बजे वो मेरे फ्लैट से निकल गया, ये कह के कि अंधेरी में उसके दोस्तों की एक पार्टी है, उसे उस पार्टी में शामिल होना है, इसीलिए वो वहां पर निकल गया। पुलिस ने ढेर सारी जो CDR थी उससे तमाम पूछताछ की, CDR की लोकेशन रात में और दिन में वहीं पर थी जहां इसका फ्लैट था। पुलिस बार बार फैक्ट्स इकट्ठा करती थी और फैक्ट्स को कंट्राडिक्ट करने के लिए उससे पूछताछ करती थी। 10 दिन तक मारिया सुसीराज पुलिस को भांति भांति की स्टोरी बताती रही, लेकिन नीरज ग्रोवर का पता नहीं लगा था। पुलिस ने नीरज ग्रोवर के CDR पर कंसंट्रेट करना शुरू किया। ये तो पता लगा कि घटना वाले दिन 6 मई 2008 को नीरज ग्रोवर लगभग 10 बजे सुसीराज के पास आया था, मारिया के पास आया था। उसके बाद अगले दिन सिर्फ एक कॉल, वो भी करीब 20 या 22 सेकंड की, उसकी एक्टिव कॉल मिली थी। पुलिस को ये शक हुआ, अच्छा उसका लोकेशन जो मिला कॉल का, वो बहुत अजीब सा था। उसका जो कॉल थी वो मनोर, जो सबर्बन मुंबई में है, मनोर के रास्ते में वो कॉल थी। तो पुलिस ने यह मान लिया कि ये यहां से मनोर की तरफ चला गया होगा। काफी बाद में पुलिस ने ये सोचा कि ये कॉल थी, रिसीव हुई है, किसने रिसीव की थी और क्या बात नीरज ग्रोवर से हुई थी, इसका भी जान लेना बहुत जरूरी है।
जिसने वो कॉल की थी उसको बुलाया गया। वो नीरज ग्रोवर का अच्छा मित्र था। उससे पूछा गया कि फला तारीख को एक कॉल, बोले हाँ साहब मैंने कॉल तो किया था और फोन जिसने उठाया था वो एक महिला थी। पहले तो उसे ऐसा लगा कि कुछ लड़खड़ा गई, कुछ अटपटा सी गई। फिर मैंने पूछा कि नीरज है, तो उसने कहा बाहर गया, उसके बाद काट दिया। यानी वो सेंटेंस भी पूरा नहीं कर पाई और घबरा सी गई और कुछ अटपटी सी उसकी बातें लग रही थी। पुलिस को और शक होने लगा कि इसका मतलब नीरज का फोन नीरज के पास नहीं था और मनोर जाते समय वो नीरज नहीं होगा, वो महिला होगी। मारिया सुशीराज से पूछा जाने लगा, वो तरह तरह की इधर उधर की बातें बनाती रही, लेकिन अंत में एक और लीड ऐसी मिली कि उसे वो टूट गई। पुलिस ने पूछा कि ये तुम्हारी आवाज थी, तुम मनोर में क्या कर रही थी और साथ में कौन था, किसकी गाड़ी थी, टैक्सी थी तो कौन सी थी, उस रूट की सारी टैक्सियों के सीसीटीवी फुटेज मिल जाएंगे मनोर के। पुलिस ने वो सीसीटीवी फुटेज निकलवाए, यानी जहां वो कॉल रिसीव की गई थी उस जगह पर, जो टेलीफोन के मोबाइल फोन के रिकॉर्ड से वो जगह निकली थी, उस जगह पर उस समय पर जब वो कॉल रिसीव की गई थी टू एंड फ्रो गाड़ियों की सीसीटीवी निकाल ली गई। पर ये समझ में नहीं आया कि इनमें से किस गाड़ी में मारिया बैठी है। बहुत लंबी पूछताछ के बाद भी उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन उसको ये लगने लगा कि पुलिस जरूर कुछ न कुछ इसमें ढूंढ रही है या पुलिस के पास कुछ न कुछ ऐसा है जो हमें बाद में क्रॉस क्वेश्चनिंग में परेशान कर सकता है। उसने फौरन ये बताया कि मुझे मेरे दोस्त ने एक गाड़ी दी थी, मैंने उससे मांगी थी और उसने वो गाड़ी दी थी। मैंने ये कहा था कि मुझे दादर जाना है, सेंट्रो गाड़ी थी वो, मुझे दादर जाना है शॉपिंग करने के लिए। पुलिस ने फौरन उसकी घेराबंदी शुरू की, क्योंकि पहले के सारे इंटरोगेशन में वो उस समय में ये बताती रही कि वो दादर में थी, लोकेशन वो मनोर या उसके आगे या उसके उस रूट पर उसकी मिल रही थी। तब उसने बताया कि नहीं, वो दोस्त की गाड़ी थी और इसलिए मैं नहीं बताना चाह रही थी, फलाना था ठिकाना था। पुलिस ने कड़ाई से पूछना शुरू की, थोड़ी लापरवाही पुलिस की तरफ से कि एक्ट्रेस है, कन्नड़ फिल्मों की छोटी मोटी एक्ट्रेस जो मुंबई आकर अपना भविष्य देख रही थी मुंबई में। सबसे पहले उसके दिमाग में था कि टेलीविजन के माध्यम से ही हम इसमें बॉलीवुड में एंट्री कर सकते हैं। इसमें सहयोग उनका मित्र नीरज ग्रोवर कर रहा था, क्योंकि ऑलरेडी वो एस्टेब्लिश टीवी इंडस्ट्री में था। उसने कम से कम 4 ऑडिशन दिलवाए होंगे मारिया को, तो उसे लग रहा था कि इसकी बहुत जान पहचान है, एक बार अपने आप को मैं टीवी शोज में एस्टेब्लिश कर लूं तो फिर बॉलीवुड में या फिल्मों का रास्ता आसान हो जाएगा। इसी गरज से
वो उसके साथ लगी रही, आगे पीछे लगी रही। तो पुलिस को यहां तक ये कहानी आई कि इन दोनों में संबंध था। फिर दूसरी लीड मिली कि 6 मई की ये घटना थी, मारिया मोनिका सुसिराज के मोबाइल फोन पर एक नंबर 7 से 20 मई के बीच लगभग 1000 कॉल, 2 एंड फ्रो दोनों कॉल, 7 से 20, 13 दिनों में 1000 कॉल, इस आदमी को भी बुलाया गया। ये और कोई नहीं, मारिया सुसिराज का बॉयफ्रेंड था, इसका नाम था लेफ्टिनेंट एमिल जिरोम मैथ्यूज। इमाइल जिरोम मैथ्यूज भी लाए गए। टेलीफोन की लोकेशन के मुताबिक वो फ्लाइट से आया था और 7:30 बजे उस फ्लैट पर पहुंच गया था जहां पर मारिया रहती थी। पुलिस ने पूछना शुरू किया कि भाई रात में 10 बजे यहां का आना और 12 बजे यहां से जाना, नीरज ग्रोवर का ये तय हो गया, 7:30 बजे तुम आ गए। बहरहाल जब दोनों से अलग अलग सस्टेन्ड इंट्रोगेशन की गई तो धीरे धीरे ये पता लग गया कि इन्हीं दोनों ने मिलकर नीरज ग्रोवर की हत्या कर दी, और हत्या नहीं, हत्या के सारे एविडेंस मिटाने के सारे प्रयास किए। बात जब शुरू हुई तो फिर बात वहीं पर आई, उसने कहा कि जीतेश की गाड़ी में हम डिस्पोजल करने गए थे। फिर पूछा गया क्या क्या हुआ था, तुम 7:30 बजे कैसे आ गए। तो मैथ्यूज ने यह बताया कि 5 मई की रात करीब 10:30 बजे के आसपास मैंने मारिया को फोन किया और उससे पूछा कि जो मकान की शिफ्टिंग का काम है ये कब तक पूरा हो जाएगा, लेकिन बैकग्राउंड में मुझे एक मेल वॉइस सुनाई पड़ी। मैंने फौरन कहा कि नीरज है क्या घर में, मारिया ने कहा हाँ वो हेल्प कर रहा है, सामान सब पैक कर रहा है, उसको कैसे कैसे ले जाना है नए फ्लैट में, वो मेरी मदद कर रहा है। मैथ्यूज ने कहा कि मैंने मारिया से कहा ठीक है वो तुम्हारी मदद कर रहा है, सामान पैक करा रहा है, ले भी जाएगा, लेकिन ध्यान रखना रात में वो फ्लैट पर नहीं रुकेगा। मैथ्यूज से पूछा गया कि तुमने जब ये मना किया उसके पीछे क्या लॉजिक क्या थी, कारण क्या था। उसने कहा चूंकि वो मेरी गर्ल फ्रेंड थी और 2 महीने बाद हम लोग सगाई करने वाले थे, इंटीमेट बातचीत के समय एक बार उसने जिक्र किया था कि नीरज ग्रोवर बहुत उसकी पैठ है टेलीविजन इंडस्ट्री में, और उसने हमारे इसी तरह से फलां ऑडिशन फलां ऑडिशन फलां, और हम मुझे ये लगता है कि वो मुझे काम दिला देगा। और साथ में एक लाइन और जोड़ दी कि मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे मोहब्बत करने लगा है। मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो मुझसे नज़दीकी बनाना चाहता है और नज़दीकियां बनाना चाहता है, और हम इसका फायदा उठा के अपने आप को इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। मैथ्यू ने कहा यह बात मेरे दिमाग में घूम रही थी और बार बार घूम रही थी, वो आवाज़ सुनकर मैं फिर से शंकित हुआ कि 10-11 बजे यहाँ पर है तो रात में रुकेगा। मारिया ने कहा कि नहीं नहीं मैं मना कर दूंगी, वो अपने घर चला जाएगा।
सामान थोड़ा ठीक ठाक कर दें, यहाँ पर लगा दें, कल जो कल की शिफ्ट फर्स्ट उसमें फर्स्ट गो में जो सामान जाना है उसको अलग निकाल के रख दें, उसके बाद फिर मैं उसे कह दूंगी, वो घर चला जाएगा। मैथ्यू ने कहा मुझसे रहा नहीं गया, वो उस समय कोची में था पोस्टिंग पर। उसने कोची से मुंबई की फ्लाइट ली और ठीक 7:30 बजे सुबह उसने डोरबेल बजा दी मारिया की। मारिया ने निकलकर दरवाजा खोला, मारिया को साइड करते हुए वो सीधे बेडरूम में घुस गया। बेडरूम में नीरज ग्रोवर था। पहले उससे तमाम गाली गलौज हुई, फिर पटकी पटका हुई, फिर मैथ्यूज किचन से चाकू ले आया और 20 वार चाकू के नीरज के शरीर में किए उसने, और नीरज की उसी समय वहीं डेथ हो गई, वहीं मृत्यु हो गई। और ये सारी बात जब हो रही थी उस समय मारिया देख रही थी। बात सुबह 8 बजे 7:30 से 8 के बीच की है। फिर नीरज ने समझाया कि अब जो हुआ वो हुआ और इसका डिस्पोजल अब हम कैसे करें। ठीक 11 बजे मारिया अपने फ्लैट से निकली और पास के मॉल में चली गई। वहां से उसने प्लास्टिक के तमाम बैग, एयर फ्रेशनर, कर्टेंस, बेडशीट और एक चाकू, बड़ा चाकू, हैवी वाला चाकू जिससे भारी मांस के टुकड़े काटे जाते हैं, ये सब खरीद के ले आई। उसके बाद वही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जब जो मैंने आपको बताया होगा, दोनों खींच कर उसकी बॉडी को बाथरूम में ले गए, पानी चला दिया, दोनों ने उसके, कहा तो ये जाता है कि 300 टुकड़े किए, आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे यही बताया जाएगा। और ये 300 टुकड़े वाली बात की वजह से ही बहुत शोर हुआ था इसके ट्रायल के समय में, सजा के समय में, कि दो लोगों ने मिलकर 300 टुकड़े एक शरीर के कर दिए। फिर उनको पानी से धोते धोते जब उसमें ब्लड स्टेंस, उस प्लास्टिक के बैग में छोटे छोटे टुकड़ों को रख दिया गया, उनको अच्छी तरह टेप से बांध दिया गया, दो दो तीन तीन टुकड़ों को कर्टेंस में लपेट दिया गया। गाड़ी अपने दोस्त से मांग ली कि मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, उसी गाड़ी में पीछे वाली सीट के नीचे डिग्गी में अलग अलग चादरों में, दसियों चादरों में लपेटा हुआ ये बैग्स इन लोगों ने रख लिए। फिर ड्राइव करते हुए मनोर के पास, अमगांव गांव है, वहां जंगल है, मनोर के अमगांव गांव के उस जंगल में, अच्छा रास्ते में इन लोगों ने 4 लीटर पेट्रोल 2-3 बिस्लेरी की बॉटल्स में रख लिए। शाम हो गई और शाम को ये लोग पहुंच गए, धुंधलका सा था जंगल के भीतर, गाड़ी जहां तक जा सकी वहां से गाड़ी उन्होंने वहां तक ले गए। फिर एक एक करके टुकड़े सब इकट्ठा किए,
जो चादर के में लपेटी हुई या पर्दे में लपेटी हुई जो चीजें थी वो एक एक करके एक एक बंडल करके एक जगह इकट्ठा कर लिया। उसके बाद पूरी चादरों को उस पेट्रोल से खूब भिगो लिया, ऊपर नीचे उलट पलट करके कोई चीज रह ना जाए, और फिर उसमें आग लगा दी। यही वजह है कि बाद में वहां पर पुलिस को बहुत ज्यादा कुछ बहुत थोड़े बहुत फ्लैश के पीसेस मिले थे, और उससे ये भी प्रूव नहीं हो पाया उस जो छोटे छोटे पीसेस मिले कि आखिर कितने टुकड़े किए गए होंगे। लेकिन उस समय अखबारों में, टीवी में और बड़े बड़े प्रोग्राम हुए थे 2008 में कि 300 टुकड़ों में लाश को काटा गया था। उसको पूरा जला दिया। चलाने के बाद करीब 9:30 बजे ये लोग वापस उसी फ्लैट में आ गए। पुलिस पूछती रही कि भाई ये गाड़ी आपने किसकी ली थी, किससे मांगी थी। सुसेन ने बताया कि वो सेंट्रो कार मैथ्यूज का मित्र था जितेश, उससे 3-4 घंटे के लिए दादर शॉपिंग करने के लिए हमने मांगी थी। और जितेश को ये बाद में आफ्टर थॉट में ये समझाया था कि अगर पुलिस पूछेगी तो तुम्हें यही बताना होगा, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा कि हाँ मेरी गाड़ी ही मांग के ले गए। तब देखिए शातिराना दिमाग ये कि जिस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था वास्तव में उसको ना बता के जितेश को, जितेश का नाम पुलिस को बताया गया, और पुलिस ने कमोबेश यकीन भी कर लिया था। जब जितेश की बारी आई कि भाई अपनी गाड़ी लाइए, हम उसका फॉरेंसिक ऑडिट कराएंगे, फॉरेंसिक जांच उसकी कराएंगे, शायद मुझे वहां से कोई क्लू मिल जाए, जितेश ने ये मना कर दिया कि साहब मैंने अपनी कोई गाड़ी नहीं दी थी। इसके पीछे का रीजन जितेश ने बताया कि मैं ऑफशोर ड्यूटी में था और अगर मैंने अपनी गाड़ी के बारे में बता दिया तो पुलिस मेरी ड्यूटी का चार्ट या मैं कहाँ कहाँ था, कितनी दूर था शीशोर से, ये मेरी कंपनी, ये मेरी जो मेरी नेवी के जो लोग होते हैं वो फौरन प्रोवाइड कर देंगे और मैं झूठा हो जाऊंगा, मैं भी मुलजिम बन जाऊंगा। उसने हाथ जोड़ लिए, उसने कहा मैं तो पुलिस को जो सही बात है वही बताऊंगा। जब ये दांव फेल हो गया तो सुशांत ने फिर असली आदमी का नाम बताया। उसने बताया कि उसका नाम किरण श्रेयस है। किरण श्रेयस को लाया गया, उसे पूछा गया, उसने कहा हां, मारिया ने ही मुझसे ये कह के कि दादर शॉपिंग करने जाना है, मैथ्यू आया हुआ है, हम दोनों लोग जाएंगे, ये गाड़ी ली थी। बाद में कार, किरण श्रेयस और विटनेसेस, इनको पुलिस स्टेशन पर बुलाया गया और तब सुशांत पूरी तरह से टूट गई। मारिया सुशीराज पूरी तरह से टूट गई। तो जो कुछ टिट बिट्स में उसने बताया था वो पूरी की पूरी कहानी, कैसे डिस्पोजल किया, कैसे किया, पुलिस वहां तक गई और उसने वहां पर जले हुए कुछ टुकड़े देखे। इन लोगों ने बहुत चालाकी से इतने छोटे टुकड़े इसलिए किए थे कि बड़े टुकड़े के जलने में, थोड़ी सी आग में जलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए इतने छोटे टुकड़े कर दीजिए, और सपोर्टिंग मोटे मोटे कर्टेन खरीदे थे ताकि उसकी आग थोड़ी देर तक टिके और तब तक वो जो पीस ऑफ फ्लैश है
वो जल जाए। और हुआ भी यही, पुलिस को खरीदी हुई वो चाकू नहीं मिली। हालांकि उसके खरीदने का जो शॉपकीपर था उसने सारे एविडेंस दे दिए। पुलिस उसके घर के सारे चाकुओं को फॉरेंसिक जांच के लिए उसने भेजा, लेकिन किसी ने किसी में भी ब्लड स्टेन्स या डीएनए सैंपल ग्रोवर का नहीं मिला। तो पुलिस को वो चाकू बरामद नहीं हो पाई। उस समय मीडिया ट्रायल इस घटना का अपने चरम पर था और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी लैप्सेस हुई थी। जैसे चाकू का न मिलना, दूसरा 8 मई 2008 को जब मैथ्यूज को उसके कॉल डिटेल के आधार पर थाने पर बुलाया गया पूछताछ के लिए, तो उसने ये कह दिया, मलाड पुलिस स्टेशन में बुलाया गया तो उसने ये कह दिया कि वो नवल ट्रेनिंग में, मतलब एक अभ्यास सत्र है उसका नौसेना का, उसमें आया हुआ है इसलिए नहीं आ सकता। पुलिस ने इस बात को वेरीफाई नहीं किया जबकि उस समय कोई नवल ट्रेनिंग नहीं थी। अगर वेरीफाई करके उसे बुला के अच्छे से पूछताछ की गई होती तो इस अपराध के खुलने में इतना समय न लगता। दूसरी बात जो बाद में सरफेस पर आई वो ये कि जिस कमरे में उसे मारा गया था उसकी एक दीवार में बहुत ढेर सारे ब्लड स्टेन्स थे। पहले इन दोनों ने मिलकर उसको अच्छी तरह साफ किया लेकिन फिर भी स्टेन्स जब नहीं गए तो एक पूरी दीवार को अलग कलर में पेंट कर दिया। पुलिस दसियों बीसों बार मौके के विजिट के चक्कर में उस कमरे में गई होगी लेकिन पुलिस ने ये कभी नहीं पूछा कि तीन दीवारों में ये अलग पेंट और चौथी दीवार में बिल्कुल ताजा पेंट क्यों है। खैर 6 मई 2008 की इस घटना में क्योंकि बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट किया था इस घटना ने, 2011 में, जुलाई 2011 में एडिशनल सेशंस जज M.W. चंदवानी ने ट्रायल कंप्लीट करके इस मुकदमे का, इस ट्रायल का रिजल्ट सुनाया। वो कहते हैं कि आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड द विटनेसेस एंड प्रूफ्स कलेक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स, इमाइल जीरो मैथ्यूज फाउंड गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। हिंदी में ये कहते हैं, ये कहा उन्होंने हिंदी में, उस जजमेंट को यूं कहेंगे कि दोनों पक्षों के साक्ष्यों, बयानों और पुलिस के साक्ष्य के आधार पर मैथ्यूज गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया गया। एक तो इरादतन हत्या, दूसरी गैर इरादतन हत्या। कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, दोनों के पीनल प्रोविजंस अलग अलग सेक्शन में हैं। इफ इट इज ए मर्डर, यदि हत्या है और ये प्रूव होता है कि कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर है, तो वो 302 IPC में कवर होगा। लेकिन अगर ये प्रूव होता है कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है तो वो 304 IPC में कवर होगा। इन ये दोनों ही, और इसी में, यानी मैथ्यू को दोषी पाया गया कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी
उसका इरादा नहीं था मरने का, लेकिन इन अ फिट ऑफ एंगर उसने उसको चोट पहुंचाई जिससे उसकी मृत्यु हो गई, लिहाजा उसको 10 साल की सजा दी गई। और कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर या नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, इन दोनों से मारिया सुसिराज को बरी कर दिया गया। मारिया सुसिराज के ऊपर सिर्फ आरोप ये तय किए गए कि इसने साक्षियों के साथ खिलवाड़ किया, लाश का डिस्पोजल करने में मदद की, सामान खरीद के ले आई ताकि इस मर्डर का, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर और अमाउंटिंग टू मर्डर, इरादतन हत्या या गैर इरादतन हत्या जो भी थी, उनके साक्ष्यों को मिटाने या छिपाने का काम किया और उसे 3 साल की सजा हुई। ट्रायल के समय चूंकि वो 3 साल की सजा काट चुकी थी, इसलिए वर्डिक्ट आते ही उसे तुरंत जेल से छोड़ दिया गया। अब कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, 302 और 304 आईपीसी, इन दोनों को अलग अलग डिफाइन किया गया है सेक्शन 299 आईपीसी में और 300 आईपीसी में। जिसमें यह है कि इरादा नहीं था, चोट लग गई, मर गया। मर्डर में है कि यह जानता था कि ऐसा करने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। इन्हीं दो बारीक फर्क के बीच में ये दोनों सेक्शंस काम करते हैं। आप लोगों ने तमाम प्लेटफॉर्म्स पे इसके बारे में सुना होगा, तो मैं और खासकर वो 300 टुकड़े वाली जो बात है वो इतनी मशहूर हुई, हालांकि बाद में तमाम चीजें उसके लिए अलग अलग प्रोग्रामों में की गई। मुझे चैनल का नाम लेना ठीक नहीं लग रहा है। इस पर एक फिल्म भी तुरंत 2011 में ही बनी थी, रामगोपाल वर्मा ने शायद बनाई थी, नॉट ए लव स्टोरी, और उन्होंने कहा था कि ये सुनील ग्रोवर की हत्या से प्रेरित फिल्म है। उन्होंने उसमें जो पात्रों के नाम हैं वो सब अलग अलग रखे थे। आज की घटना देखिए, एक अति महत्वाकांक्षी लड़की जो मुंबई में पैर जमाना चाहती थी, वो न तो नीरज को दूर कर पा रही थी अपने आप से, क्योंकि उसी के सहारे उसे टेलीविजन इंडस्ट्री में घुसना था, न मैथ्यू को छोड़ पा रही थी, मैथ्यू उस पर अपनी औकात से ज़्यादा खर्च करता था, शादी के लिए कहता था, और ये भी कहा गया कि हम लोग 2 महीने में हम लोगों की इंगेजमेंट होने वाली है। खाली यही नहीं, इन दोनों से के बीच में रही है, न तो इससे दूर हुई न उससे दूर हुई। 2 कैरेक्टर और इसमें हैं, एक जीतेश जिनको ये कहला के खड़ा किया गया कि तुम बता देना कि गाड़ी मेरी ही थी, फिर जब गाड़ी का फॉरेंसिक टेस्ट होगा तो उसमें कहीं ब्लड स्टेन नहीं मिलेंगे, एक और एविडेंस खत्म हो जाएगा, ट्रायल में आसानी होगी। दूसरा श्रेयस जिसने एक बार मांगने पर मारिया को गाड़ी दे दी, और ये सभी चारों अपने आप को मारिया के बहुत करीबी, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बड़ी नजदीकी दोस्त है, पार्टीज में मैं उसके जाता हूं, वो मेरी पार्टीज में आता है। आप इससे ये अंदाज लगा सकते हैं कि मारिया के दिमाग में क्या चल रहा था। वो किसी को नाराज नहीं करती थी, वो किसी से दूर नहीं हो पाती थी, क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षा उसके सर पर चढ़कर बोल रही थी। चालाकी दोनों ने की, सावधानी दोनों ने की, और कुछ देर के लिए तो सक्सेसफुल भी हो गए,
पर अपराधी कहीं न कहीं चूक जाता है। उसने नीरज का मोबाइल अपने जींस की जेब में इसलिए रखा था कि इसी आपाधापी में कहीं छूट न जाए, कहीं गिर न जाए, कि एक एविडेंस पुलिस को मिल जाए तो चुपचाप अपनी अपनी जेब में रख लो, जब डिस्पोज ऑफ करके सक्सेसफुल होके लौटेंगे तो घर पर रख देंगे, उनके घर वाले या पुलिस आएंगे तो पुलिस आएगी तो उनको बता देंगे कि ये उसका मोबाइल नंबर है। बाद में उसका दोस्त जिसने वो कॉल की थी वही वो फोन भी ले गया था। तो चालाकी में कि एविडेंस न मिल जाए जेब में रखा, लेकिन ये भी मन में था कि किसका किसका फोन आ रहा है ये भी देखा जाए। रास्ते में जब वो फोन बजा तो जीन्स की जेब से निकालते समय वो अपने आप ऑन हो गया। जब अपने आप ऑन होता है तो स्पीकर से उधर अगर कोई बोल रहा है तो आवाज हल्की हल्की आती है, तब वो अचकचा के उसने देखा करे, वो पूछ रहा था नीरज से बात करा दीजिए। अब चूंकि उठा लिया था, सिचुएशन ऐसी थी, बॉडी के सैकड़ों टुकड़े उस गाड़ी में भरे हुए थे, उस पर पैर रख के दोनों बैठे हुए थे, तो वो हड़बड़ाहट उसके जुबान पे आ गई और उसने कहा नहीं वो कहीं, और ये कह के बस 10 या 12 सेकंड की कॉल थी, बाहर गया है, ये वर्ड इस्तेमाल किया गया था। दोनों अपना फोन फ्लैट पर ही छोड़ आए थे। अगर वो कॉल उसने रिसीव न की होती और करने वाले ने ये न बताया होता कि महिला की आवाज थी और उसकी लोकेशन मैनोर के पास न मिली होती, तो जो ये लोग 10 दिन से कहानियां बना के घुमा रहे थे पुलिस को, वो घुमाते रहते। बहरहाल आज की घटना में ये समझ में आता है कि अपनी महत्वाकांक्षा की सीमा भी तय करके रखना चाहिए। अपने गोल को या अपनी महत्वाकांक्षा, जहां तक आप पहुंचने की जिद कर रहे हैं, जहां तक आपका दिमाग, वो किस रास्ते से जाएंगे ये भी तय करके रखिए, उसकी सीमाएं भी तय करके रखिए, क्योंकि असीमित महत्वाकांक्षाएं कभी कभी डुबो देती हैं, जैसा इस घटना में हुआ था नीरज ग्रोवर हत्याकांड में। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।